इधर कॉफी मशीन लगी हुई है और कई सारी प्रकार की बिलरिया इधर खड़ी है। क्या बना रहे हैं भैया? पनीर पकौड़ा बना रहे हैं। पनीर पकौड़ा है, पनीर पकौड़ा बन रहा है। इसलिए यहाँ पे जो खाना का प्रोग्राम किया गया है वो खाना दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये कबाब कई सारे प्रकार के बनाए गए हैं, इसलिए अच्छे अच्छे कांडी है ये। और ये कौन सा कबाब है? ये है सामी कबाब कहते हैं, सामी कबाब ये चीज रोल बोलते हैं इसको। और ये काफी सारे आइटम्स इधर तैयार किए जा रहे हैं। इधर ये अंडा है, ये क्या बना रहे हैं भैया? पनीर पकौड़ा है, पनीर पकौड़ा बन रहा है इधर। अच्छा इधर इधर गोश्त बन रहा है, लेकिन गोश्त नहीं दिखाएंगे आप लोग को। देर देखिए मीठे वड्डे का सब प्रोग्राम है। ये सारा प्रोग्राम इतना इसलिए हो रहा है कि किसी प्रकार से लड़का पसंद आ जाए। हाँ, कई सारे लड़के वाले लड़की वाले आके चले गए हैं, लेकिन देखिए तंदूर अंदूर लगा इधर, तंदूर अंदूर इधर लगा हुआ है। चलिए ठीक है, तो और क्या दिखाना है? ये हलवा बनवा रहे हैं, काजू बादाम का हलवा। ये दूल्हे दूल्हा का भतीज है, ये इसको पसंद करना चाहते हैं इसको भी कर सकते हैं पसंद। लेकिन कॉफी मशीन लगी हुई है दिखाइए, ये कॉफी मशीन भी लगी हुई है। हाँ, और कुछ आपको थोड़ी बहुत दिखाते हैं। कॉफी मशीन भी इधर लगी हुई है, ये यहाँ पे इधर कॉफी मशीन लगी हुई है और कई सारी प्रकार की बिलरिया इधर खड़ी कॉफी पी रहा। ये जो दूल्हा है जिसको देखने आने वाले हैं उनके चाचा है, और ये भी उनके चाचा है। चलिए जय हिंद। इनका जो शादी है वो जब लोग आते हैं घर पे देखने तो खुश हो जाता है, पता नहीं कैसे शादी। कई लोग आके जा चुके हैं लेकिन अभी शादी इनकी कन्फर्म ही नहीं हो पाई है। तो आज इसलिए इतना खाने वाने वाला इंतजाम किया गया है कि शादी किसी प्रकार से हुस्न ना हो, किसी प्रकार से लड़की मिल जाए। पहले आपको लड़का दिखा देते हैं किस कारण से लड़के को लड़की नहीं मिल रही है। चलिए आज बात कराते हैं। यहीं पे खड़ा हुआ यही इंतजाम कर रहा है पूरा। हाँ भाई, क्या नाम हुआ आपका? मेरा रहीम खान। रहीम खान, तो ये इतना व्यवस्था काहे करा रहे हैं? इतना व्यवस्था है, फल फ्रूट सब है, क्योंकि मेहमान आएंगे अच्छे से खाएंगे तो हमारी शादी होगी, वरना देख के खा के चले जाते हैं, कोई शादी ही नहीं करता। कितने लोग आ चुके हैं अभी तक? आ चुके हैं वही 60-70 पूरी आ चुके हैं सब। लेकिन कोई लड़की देने वाला राजी नहीं होता? कोई नहीं राजी होता। कम से कम मेरा 1 करोड़ रुपया नाश्ता में चला गया है। 1 करोड़ रुपए का नाश्ता हो चुका है। देखिए सब लोग दोस्त यार हैं, सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं फ्रूट की, किसी प्रकार से भैया की शादी हो जाए। लेकिन शादी नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती। आप लोग दुआ करना, और खाना होगा तो खा लेना, पर दुआ करना इसकी शादी हो जाए। ये सब इतना इंतजाम काहे कर रहे हो आप? ये हमारी आज शादी की देखवाले आ रहे हैं, इसलिए मैंने इतना इंतजाम करा है। पूरा दिखा दीजिए पहले, मिठाई है, काला जाम है, छेने हैं, बर्फी है, इधर बादाम का पिस्ता है, ये दिखाइए। और ये फल खाने वाला है, इधर फ्रूट्स हैं, इधर फ्रूट्स हैं। आज मैंने इतना व्यवस्था इसलिए किया हूँ क्योंकि कम से कम 65-70 लोग देख के चले गए हैं, हमारी शादी नहीं हो पा रही है। पता नहीं किसे जोसेफी निकाल देते हैं, तो इसलिए मैंने आज इतना व्यवस्था करा है कि वो लोग खा के और शादी हमारी आज फिक्स हो जाए। ये कारण क्या है, लोग देख देख के चले क्यों जा रहे हैं आपकी शादी? पता नहीं क्या कारण है, हमारी अच्छी खासी बॉडी भी है, भी जाके निकाल के दिखा सकता हूँ। अच्छा अच्छा, तो हम लोग दुआ करेंगे, बाकी दुआ करेंगे इस बार आपकी शादी किसी प्रकार से फिक्स हो जाए। कम से कम 4-6 करोड़ का मालिक मैं भी हूँ। 4-6 करोड़ का कम से कम मालिक हूँ। क्या धंधा है आपका भैया? हमारा प्रोटीन का धंधा चलता है, प्रोटीन का। 20 इयर्स, 22 साल में कम से कम 1 करोड़ रुपया का नाश्ता हो गया। हाँ, लेकिन लड़की कोई पसंद नहीं आई।